पंजाब सरकार वालों महिला दिवस ते महिलावां नूं सरकारी बसां विच मुफ्त सफर करन दा ऐलान कीता गया सी, जो कि 1 अप्रैल तों लागू हो जाएगा। इस ऐलान तों बाद महिलावां विच काफी खुशी दी लहर है अते महिलावां वालों पंजाब सरकार दा धन्नवाद भी कीता जा रहा है। गुरदासपुर दे विच महिलावां ने इस फैसले दा स्वागत कीता अते पंजाब सरकार दा धन्नवाद कीता। गुरदासपुर तों जीरो लाइन टीवी दे लई सिमरजीत सिंह दी विशेष रिपोर्ट। जी मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ और जो मैं सरकारी बस से बैठी हूँ, सरकार ने बहुत वधिया उपराला किया कि सरकारी बसों में जड़ियाँ कि औरतों का किराया माफ़ कर दिया गया, नाल तो एक औरतों एक फुल प्रोटेक्शन भी मिल रही है। तो सैकेंडली कि जो पंजाब दिल्ली में औरतों का काफ़ी टाइम तो जड़ा कि किराया माफ़ सीगा, हुण पंजाब से भी ये स्कीम जो लागू की गई है, ये बहुत वधिया उपराला है कि जो पंजाब सरकार ने ये सारिया औरतों का सरकारी बस में किराया माफ़ कर दिया गया है। मैं पंजाब सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। मैं गुरदासपुर तो चंडीगढ़ जा रही हूँ और यह बहुत वधिया मतलब पंजाब सरकार ने करे होया जो कि बस का किराया फ्री करे फॉर लेडीज़ की, और मैं भी कहूँगी कि इस नाल सेफ्टी का भी ज़्यादा ध्यान रखा जाए। वैसे तो सेफ है बट ऑल होर भी सेफ रखा जाए, और इट वॉज वेरी गुड कि जो भी हूँ हो चल रहा है इस टाइम पे दिल्ली तो आपका बहुत टाइम तो सीगा, हूँ पंजाब सरकार ने पंजाब भी किया था बहुत वधिया किया है, और आई एम थैंकफुल टू गवर्नमेंट कि उन्होंने यह सब करे और हूँ सेफ्टी का भी अपना जो है लेडीज़ का ख्याल रखा जाए ताकि उन्होंने नैक्सट भी आराम नाल वो अपना बिना किसी टेंशन तो अपना इतने कर सकन जा सकन, और छोटे बच्चों वास्ते भी मेरी यह चीज़ होनी चाहिए। इस बहुत ज़्यादा राहत मिली, मीनस किराया तो बहुत ज़्यादा, जस्ट कि जिदा मैं भी है मैं जॉब करती हूँ चंडीगढ़, तो मैं पहले जानती हूँ कि 225 सेगा फिर 280 होया हूँ 305 हो गया, तो वो तो बहुत ज़्यादा राहत मिली है कि मतलब हूँ 305 देना कि हर एक लिए नहीं होता है, कोई कोई ही दे सकता है हर कोई नहीं दिता है, तो ये बहुत बड़ी राहत मिली है। मेरा नाम सुमित महाजन है और मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ, मैं जॉब करती हूँ। पहले तो आना जाना बहुत मुश्किल भी लगता सी क्योंकि किराया बढ़ गया ही, तो जिते असी 15 दिन बाद घर आते हूँ अगर ये सहूलत मिल रही है तो असी हूँ जल्दी घर आ सकते हैं, और सब तो वड्डी गल कि किराए पिछे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे जॉब करने वाले है जिहड़े घर नहीं आते जाते, कोई महीने बाद आता है कोई अपना प्रोग्राम ही कैंसल कर दिंदा, और जे अगर पंजाब सरकार ने यह कदम चुकया है तो लेडीज़ वास्ते तो बहुत ही वधिया चुकया है, बहुत सारी सहूलत मिलेगी, बहुत सारी लेडीज़ इस्त्रियां भी है कि जॉब नहीं करती, उन्होंने कोई इनकम का साधन नहीं है, कि आन जान तो भी पैसे नहीं होंगे, तो अगर यह कदम चुकया तो मे बी वो भी इधर उधर जा सकते हैं अपने काम नूं कर सकते हैं, और इसलिए असी पंजाब सरकार का पूरी लेडीज़ तो वो धन्यवाद करते हैं, कैप्टन जी का धन्यवाद करते हैं, और कैप्टन जी ने होर भी कदम उठाने चाहिए इस दे नाल नाल ताकि लेडीज़ नूं ही नहीं बच्चों और जेंट्स नूं भी सहूलत मिले, बुजुर्गों नूं सहूलत मिले, अगर वो ऐदा करते रहेंगे तो उन्होंने वोटा मिलते रहेंगे, असं चुनते रहेंगे उन्होंने और वही सरकार बनी रहेगी।